आज मैं उत्तराखंड में जो आई है उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं उत्तराखंड त्रासदी के दौरान मजदूरों को, मैं तो शहीद ही बोलूंगा, जो टनल में शहीद हुए मजदूरों के लिए मैं मनु आईएएस एकेडमी की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेचारे मजदूर टनल में काम करते हुए शहीद हो गए और उन लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो इस त्रासदी में हताहत हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आज हम बात करते हैं, बहुत ही हमारा मेन टॉपिक है ये। इसमें हमारे यूपीएससी एग्जाम से लेकर पीएससी एग्जाम अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में और छोटे छोटे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। भैया आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से नमस्ते। शान शर्मा जी नमस्ते, भैया चौधरी लखन राम राम, भैया दलजीत सिंह नमस्ते, भैया सभी लोगों के लिए ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, आदाब। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे ये उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी आई है उसकी लोकेशन को हम जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर आई है, कैसे आई है। ठीक है, वो तो हम बात करेंगे, फिर बाद में आपसे ग्लेशियर कैसे फटता है, बहुत मुद्दों पर हमारी बात होगी आपसे। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से राधे राधे। ठीक है, राजेश जी, अजय कुमार जी, अंकित कुमार जी, सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ लोकेशन के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या लोकेशन है यहाँ पर। आप ज्यादा गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे तो मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है गंगा नदी तंत्र, उसका पूरी तरह अध्ययन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। लेकिन आज मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, क्या क्या स्थिति यहाँ पर, कैसी कैसी कंडीशंस रही। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, तो सबसे पहले मैं लोकेशन को बता दूंगा आपको। ये लोकेशन सारे लोग जानते हैं। ठीक है, नमस्ते भैया, हाँ जी, तो सारे लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा नदी तंत्र का, तो थोड़ा सा हम लोकेशन वहीं से आपको ट्रेस करा देते हैं। तो ये त्रासदी सारे लोग जानते हैं उत्तराखंड में आई है और ये गढ़वाल मंडल, मंडल कौन सा, गढ़वाल मंडल है, ध्यान देंगे आप, और चमोली डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, और जगह है जोशीमठ, और जोशीमठ के पास हम बात करें आपसे रैणी गाँव की। ठीक है, तो मैं आपको नदी का आधार पर लोकेशन ट्रेस करा ले रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने पढ़ा होगा मुझसे या मेरे वीडियो को देखा होगा तो अच्छी बात है, और आज आप यहाँ पर और देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ नदी तंत्र के बारे में, छोटी सी बात करूंगा ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये उत्तराखंड में ये गौमुख ग्लेशियर है। ये उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है, ये डियर स्टूडेंट, ये गौमुख ग्लेशियर है उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में जो गौमुख ग्लेशियर है गंगोत्री से ये करीब 19 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये गौमुख ग्लेशियर। ठीक है, जय श्री कृष्णा सभी लोगों के लिए। तो इस गौमुख ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या नाम है नदी का, नाम भागीरथी, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, पूरा ड्रेनेज पैटर्न नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल। यहाँ से निकलती है भागीरथी और यही पर ग्लेशियर है उत्तराखंड में, ध्यान रखिए। इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, गौर से देखिएगा आप इसको, ये है सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गौमुख ग्लेशियर और ये होगा हमारा सतोपंत ग्लेशियर। इस सतोपंत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, एक धारा का नाम धौली गंगा है। ठीक है, और दूसरी धारा का नाम विष्णु गंगा है। दूसरी धारा का क्या नाम है, मैं आपको लिख रहा हूं विष्णु गंगा। ठीक है, देखने में आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हूँ। दो धारा निकलती है, धारा का नाम विष्णु गंगा है, दूसरी धारा का नाम धौली गंगा है। कहाँ से निकल रही है, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर ही है ये दोनों धाराएं। जोशीमठ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जोशीमठ या विष्णुप्रिया, जोशीमठ या विष्णुप्रिया में आकर मिल जाती है दोनों धाराएं, मिल गई और इस संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा जाना जाता है। संयुक्त धारा का नाम बोलिए आप अलकनंदा। ठीक है, संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से जानी जाती है।
और हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे ही उत्तराखंड में, ये पिंडार ग्लेशियर है। ग्लेशियर का क्या नाम है भैया? पिंडार ग्लेशियर। इस पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, नदी का नाम ही पिंडार है, ध्यान देंगे आप। नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी निकलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? जिले का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जाके ये अलकनंदा से मिल जाती है। आगे आप देखेंगे यहीं पर ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है ये? चौराबाड़ी। देखो जगह नहीं है बोर्ड पर, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर है। इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। बहुत से लिखे जाओ, ये मंदाकिनी लिख रहा हूं मैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है और ये मंदाकिनी आप ध्यान देंगे रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग। आपने देख ली इतनी सारी चीजें, तो क्या देखा आपने अभी तक? अभी तक आपने देखा है भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है एक धारा, और सतोपंत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम विष्णु गंगा है, दूसरी धारा का नाम धौली गंगा है। विष्णु गंगा, ध्यान देंगे आप, धौली गंगा आपस में विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है, जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे, पिंडार ग्लेशियर है। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है जो कि कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहां पर होता है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा बनती किससे है? विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से बनती है। आप इधर साइड में आएंगे उत्तराखंड में, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, रुद्रप्रयाग में आगे अलकनंदा से मिल जाती है। तो मंदाकिनी कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ये वही मंदाकिनी नदी है प्यारे बहनों भाइयों, जिसने उत्तराखंड में 2013 में, ठीक है, भयंकर तबाही मचाई थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है मंदाकिनी। अब आप आगे देखेंगे, यहां से मैं इस भागीरथी को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाई दे रहा हूं, यहीं पर आप ध्यान देंगे, ये नंदा देवी ग्लेशियर है। ये क्या है? नंदा देवी। मैं नाम से इधर दे रहा हूं, नंदा देवी। इस नंदा देवी में आप ध्यान देंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं अलग से बना रहा हूं, इसको कहते हैं चंगवंग ग्लेशियर। क्या बोलेंगे इसको? चंगवंग ग्लेशियर। इस नंदा देवी में चंगवंग ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ऋषि गंगा निकलती है। कौन सी धारा निकलती है? इस धारा का नाम है ऋषि गंगा। मैं लिख रहा हूं, धारा का नाम क्या है? ऋषि गंगा। इसने ही भयंकर तबाही मचाई है अभी। किसने मचाई है तबाही? ऋषि गंगा ने। अब ध्यान देंगे आप, ये भागीरथी और ये क्या है? ये ऋषि गंगा और ये अलकनंदा, ये तीनों धाराएं इस तरीके से देवप्रयाग में आके मिल जाती है। कहां पर आके मिल जाती है? देवप्रयाग में। तो ऋषि गंगा का उद्गम कहां पर? आप ध्यान देंगे नंदा देवी से होता है, और ये देवप्रयाग में ही अलकनंदा के साथ भागीरथी से मिल जाती है, और ये संयुक्त नाम गंगा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त नाम क्या है इनका? गंगा नाम। हाँ जी, होली लाली डेली क्लास चलती है बेटा, ठीक है। तो ये संयुक्त गंगा नाम से ये जानी जाती है, संयुक्त धारा। यहाँ पर गंगा नाम गंगा बन जाता है, और गंगा आप ध्यान देंगे समतल पर हरिद्वार में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? हरिद्वार में। आगे की लोकेशन आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है गंगा नदी तंत्र की, उससे आप देख सकते हैं सारी, ठीक है। तो मेरी आपसे ये ऋषि गंगा की लोकेशन को ट्रेस कराना था, ठीक है। ऋषि गंगा कहाँ पे आके मिलती है? आप ध्यान देंगे ये देवप्रयाग में आकर ही अलकनंदा और भागीरथी के साथ गंगा में समा जाती है, ठीक है। जय माता दी इनके सर। हाँ जी, ठीक है, यहां तक की बात सारे लोग समझ चुके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं क्या है इसको हटा दूं, हाँ जी बताइएगा भैया, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है साहब, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक कि आपने सारी चीज देख ली, अब मैं आपको जगह दिखा रहा हूं। ग्लेशियर जो फटा है वो कहां पर बर्स्ट हुआ है? नंदा देवी ग्लेशियर। नंदा देवी ग्लेशियर, यहीं से क्वेश्चन हमारा बनना शुरू हो जाएगा। ऋषि गंगा का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने ऋषि गंगा की पूरी लोकेशन को आपको ट्रेस करा दिया। तो ये नंदा देवी ग्लेशियर है, ध्यान देंगे यहां से यही बस्ट हुआ है नंदा देवी ग्लेशियर। नंदा देवी ग्लेशियर की लोकेशन आप ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछेंगे उत्तराखंड के कौन से मंडल में है, तो आप बताइए गढ़वाल मंडल, ठीक है।
अगर आपसे जिला पूछ रहा है तो जिला बताएंगे आप चमोली जिला, और ये किसके पास है, जोशी मठ के पास है, जोशी मठ, गांव है रेणी गांव, गांव कौन सा है, ठीक है बात समझ आ गई, इतनी बात सारे लोग समझ चुके होंगे। यहां पर किए मैंने आपको लोकेशन दिखा दी सारी की सारी, नंदा देवी ग्लेशियर। क्वेश्चन बनेगा कौन सा ग्लेशियर कटा है, क्या बताएंगे आप, बताइए आप नंदा देवी ग्लेशियर कहां पर है, ये गढ़वाल मंडल में है, जिला चमोली है, और जगह क्या है इसकी, जोशीमठ, ठीक है। इतनी सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, पेन कॉपी लेके आप बैठिए आराम से नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां तक की बात समझ चुके, तो मैंने स्टैटिक आपको ये बता दिया यहां तक का, अब मैं आगे बात करने वाला हूं आपसे, ठीक है, क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे आपसे, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे आपसे ये ट्रेजेडी क्यों हुई, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा क्यों आई, ये आपदा क्यों आई और कैसे आई और कैसे ग्लेशियर फटते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर क्या होते हैं, ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं ये ग्लेशियर क्या होते हैं, और ग्लेशियर सारे लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको ग्लेशियर बोलते हैं, हिंदी में इसको हिमनद कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में, हिमनद कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियर ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग नहीं होते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग होते हैं, धीरे धीरे मेल्टिंग होते हैं, हमको पता नहीं चलता है, पिघलते हैं, अगर नहीं पिघलेंगे तो नदियों का अस्तित्व कहां होगा, नदी कहां बनेगी, ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने से ही गंगा नदी तंत्र की नदियां बनती हैं, यही कारण है कि गंगा नदी तंत्र को या हिमालयन नदी तंत्र को सदाबहार नदी तंत्र कहा जाता है, उसमें हर समय पानी रहता है, सारे लोग जानते हैं क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, सदाबहार नदी तंत्र कहा जाता है, प्रणाम भैया, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या होता है, अब ध्यान देंगे, ग्लेशियर को अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो उसको बोलेंगे हम मूविंग आइस। मूविंग आइस मीन्स बर्फ, गति करता हुआ बर्फ, गति करता हुआ बर्फ, यानी मेरे कहने का मतलब ये बर्फ की नदी, बर्फ की नदी ग्लेशियर कहलाती है, ठीक है, बात समझ गए आप सारे के सारे, ग्लेशियर के बारे में समझ गए आप, बर्फ, ठीक है, बर्फ की नदी क्या कहलाती है, ग्लेशियर कहलाती है। और आप जानते हैं अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं आपसे तो हिमालय की कराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सियाचिन ग्लेशियर क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यानी संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, और 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से उसको फतह कराकर भारत का हिस्सा बना दिया था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दे रहे हैं ग्लेशियर के बारे में आपको और जानकारी दे दूं, ठीक है। यहां पर एक ग्राम टाइप्स ऑफ ग्लेशियर की बात करूं, ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। ग्लेशियर के प्रकार, ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे आप, एक अल्पाइन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर, और एक आइस शीट ग्लेशियर, आइस शीट ग्लेशियर। तो यही से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ सकता है ग्लेशियर कितने प्रकार के होते हैं, यानी हिमनद कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, एक अल्पाइन ग्लेशियर और एक कौन सा ग्लेशियर, आइस शीट ग्लेशियर, ठीक है। दो प्रकार के हमारे ग्लेशियर हो गए। पहाड़ों पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, आपसे ये पूछेगा, पहाड़ों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं अल्पाइन ग्लेशियर,
ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं बताइए आप, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर अल्पाइन ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पाइन ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, पहाड़ों पर अल्पाइन ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चले साहब, आगे बात करेंगे हम आपसे, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया ग्लेशियर क्या होता है, ठीक है, और मैं ग्लेशियर की आगे की कंडीशंस को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं से ध्यान देंगे आप, सारे लोग ध्यान देंगे भैया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर ग्लेशियर के फटने का कारण, ग्लेशियर के फटने का कारण, ठीक है, क्या बता रहा हूं आपको, ग्लेशियर के फटने का कारण। तो ग्लेशियर के फटने का जो कारण है, वो फर्स्ट जो कारण है वो तो गुरुत्वाकर्षण है। फर्स्ट जो कारण है ग्लेशियर के फटने का, यहीं से कुछ चल सकता है, गुरुत्वाकर्षण है। और दूसरा जो कारण है, ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन, यानी ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन। ठीक है, तो पहला कारण क्या होता है मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण, दूसरा कारण क्या होता है ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन। टेंशन मीन्स तनाव। अब कैसे कैसे कंडीशंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छी चीज है, यहां पर समझने वाली बात है सारी की सारी, ध्यान देंगे आप। गुरुत्वाकर्षण पहला कारण है, दूसरा कारण मैंने आपको बताया टेंशन है। कैसे कैसे स्थिति बनती है वो ध्यान देंगे आप। ग्लेशियर बनते कैसे है आपने देखा, ठंडे प्रदेशों में आप ध्यान देंगे जहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। और टेम्परेचर लो होता है तो आप ध्यान देंगे जो वर्षा जो होती है वो किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। और ये वर्षों में ग्लेशियर जम जाते हैं और ये ग्लेशियर धीरे 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 पिघलते रहते हैं। और ग्लेशियर के पिघलने से नदियों का अस्तित्व होता है। और यदि यही ग्लेशियर तेजी के साथ पिघलने लगे तो आप ध्यान देंगे वो आपदा को अंजाम दे देते हैं। किसको अंजाम दे देते हैं, वो आपदा को अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लेशियर कैसे फटा वो कंडीशंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आइए बात करते हैं आपसे ग्लेशियर के फटने का कारण। देखिए आप, तो सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा आपसे, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान मीन्स इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ध्यान दीजिए आप, ग्लोबल वार्मिंग होती है धरती का गर्म हो जाना, यानी हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस औसत तापमान को बनाए रखती है हमारे समता मंडल में उपस्थित ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में सारे लोग जानते हैं, स्टैटिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सारे का सारा। ओजोन लेयर क्या कंडीशन होती है ध्यान देंगे आप, ये ओजोन लेयर समता मंडल में उपस्थित होती है और सन से आने वाली यूवी रेज को ये रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमारी पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। अब ध्यान देंगे आप, ओजोन लेयर जो लीकेज हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सीधी सीधी आप देखेंगे यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है। देखिए आप भाई, ये सन से आने वाली यूवी रेज है, ये इस तरीके से समताप मंडल में बसते जो ओजोन लेयर है वो इनको अब्सॉर्ब कर लेती है और हमारी पृथ्वी के औसत तापमान को क्या करती है, बनाए रखती है वो। अब ध्यान देंगे आप, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी धरती का तापमान कैसे बढ़ेगा, सन से आने वाली यूवी रेज है वो यहाँ पर आएगी और ओजोन लेयर में जब लीकेज हो जाएगा तो उसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ज्यादा मात्रा में यूवी रेज नीचे आएंगी, नहीं आएंगी, और ज्यादा मात्रा में यूवी रेज नीचे आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज मींस पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी तो पृथ्वी के तापमान को कैसा कर देती है, ज्यादा कर देती है, वही ग्लोबल वार्मिंग होती है। समझ गए आप ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा आपने देखा, अब कैसे हो रही है ये हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आप ध्यान देंगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दुनिया के देश इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एनर्जी के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिससे हम ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अर्थात हम ऊर्जा के जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वो कैसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम जो पॉल्यूशन युक्त होते हैं
और वही क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे, और ओजोन लेयर में लीकेज पैदा कर देते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। ओजोन लेयर लीकेज हो रही है वो किस यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है डॉप्सन। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी साइंस की वीडियो में आप देख लेना, मात्रक विभी सूत्र वाली में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ लो गए आप। ओजोन लेयर को लीकेज होने से बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कौन सा देश था, कनाडा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये निर्णय लिया गया था कि हम ओजोन लेयर को कैसे भी बचाएंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, लेकिन आज तक कोई कारगर उपाय नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोटोकॉल किए गए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किए गए, लेकिन उनका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। और ये निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाएंगे, और आप ध्यान देंगे कागजों में कैद हो जाता है ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आज तो मैं ये भी नहीं पता चलता कि ओजोन दिवस है, कैसे नहीं पता चलता, अखबार वाले भी उन चीज़ों को दिखाते हैं, काम की चीज़ों को दिखाते ही नहीं। ठीक है, तो तभी से ओजोन दिवस भी मनाया जाने लगा था कि साहब ओजोन दिवस मनाएंगे हम, ये स्थिति पैदा कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे कागजों कैद हो गए। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। आज हम इस प्रतिस्पर्धा के युग में कितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखेंगे क्या स्थिति पैदा हो रही है। पहाड़ों पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ध्यान देंगे, जब परमात्मा परमात्मा या प्रकृति जब इंसान से नाराज होती है वो तो आपदा को मिलाती है। ठीक है, हम पहाड़ों पर क्या बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, हम पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इकोनॉमी की दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसका मेन कारण आप ये राजनीतिक व्यू से मत सोचना कि मैं एक सपा का लीडर हूं। ठीक है, आप ये देखना, एक कंडीशंस देखना, आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह जो आ रही है वो तो दुनिया के देश तो कर ही रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी उत्तरदायी हमारे यहाँ एनर्जी रिसोर्स में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, जंगलों को काट देना, जब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, अपने प्लांट बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप बताइए, तो प्लांट बनाएंगी तो प्लांट क्या करेंगे, वो वहां पर कहीं ना कहीं धरती का जो बाकी टोपोग्राफी है वहाँ की एडाफिक फैक्टर में बदलाव आएगा नहीं आएगा, और बदलाव आएगा तो ट्रेजडी आनी स्वाभाविक, परमात्मा नाराज हो जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब समझे आप क्या समझे, तो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग की पूरी वजह बताई। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ग्लेशियर आप ध्यान देंगे क्या होता है, मेल्टिंग होते जा रहे हैं, तेजी के साथ मेल्टिंग हो रही है, यानी पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कैसे हुई है ये उत्तराखंड ट्रेजडी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं पूरी तरह क्या इसके कारण रहे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अजय कुमार जी, आप सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल नेचर से खेल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम नेचर से नहीं खेल रहे, हम आग से खेल रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के चक्कर में, हम ध्यान देंगे प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है। आज भी ध्यान देंगे 10th 5-year plan में ये कहा गया था कि 33% वनों का लक्ष्य होना चाहिए, और आज आप देख रहे हैं कितने प्रतिशत बन रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, पहाड़ों पर पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब पर्यटन स्थल कौन बनाएगा आप जानते हैं, बड़े बड़े व्यापारी बनाएंगे, गरीब बेचारा तो पिछना ही पिछना है उसके लिए। अब वहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा दिया जाता है कि रोजगार पैदा होगा लोगों के लिए, यार पहले से रोजगार नहीं था लोगों के लिए, आप बताइए मुझे, क्या पहले से लोग मिट्टी खाते थे वहां पहाड़ों की, पहले रोजगार पैदा नहीं होता था, ये तो सारी की स्थिति ऐसी आ रही है कि एक दिन आप ध्यान देंगे बिल्कुल स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं इसकी कंडीशंस के बारे में, कैसी कैसी कंडीशंस है यहाँ पर, क्या वर्ड इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं इस कंडीशंस को, तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है, मनु बेटा पानी दे जाना, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा यहां GLOF, ये वर्ड हमारे एग्जाम का हिस्सा बनेगा, इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लूड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वर्ड को समझाने का प्रयास करूंगा, ये वर्ड क्या है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, फुल फॉर्म ऑफ देख लीजिएगा वर्ड से, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लू, यानी ग्लेशियर के कारण जो झील बन गई। क्या बोला,
मैन वोटे प्रेपरेशन का सही है रहा। कई बार अजय कुमार जी सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है ऑर्डर में अपने कि आप रोकिए, आप डैम बनाने से रोकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बीजेपी ने डैम बनाए, डैम तो कांग्रेस सरकारों ने बनाए, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे पॉलिटिकल व्यू मत देखिएगा, ठीक है। आप देखिए तपोवन प्रोजेक्ट, विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, मैंने आपको कितने प्रोजेक्ट कराए, टहरी प्रोजेक्ट, ये कब के बने हुए हैं और लोगों ने मूवमेंट चलाया इसके लिए, टहरी प्रोजेक्ट के लिए मूवमेंट चलाया आप लोगों ने, सुना होगा सुंदरलाल भगोड़ा ने मूवमेंट चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया यहाँ पर नर्मदा घाटी के लिए, ठीक है, मेधा पाटेकर ने, लेकिन कोई शुरुआत नहीं हुई। जब तक मूवमेंट बड़ा नहीं होगा, ध्यान देंगे आप, सरकार की कान नहीं खुलती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि हिंसात्मक हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगों को रख सकते हैं। तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूं अच्छी कंडीशंस के बारे में, ठीक है। ये क्या कंडीशंस है, ध्यान देंगे आप, GLOF ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लूड, अर्थात ग्लेशियर झीलें कैसे बनती है, पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देखिए आप ये समझ लोगे, आपको मैं इसको हटा दूंगा, मेरे पास जगह कम है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख दूं यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। चलो आप ध्यान देंगे, यही समझा दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे यही से, देखिए आप ये ग्लेशियर है, देखेंगे आप ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये अब ये ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया हिमनद नहीं है, ये हिमनद क्या है, ये हिमनद पिघलते हैं और पिघलने के दौरान जहां इनका टेम्परेचर आप ध्यान देंगे कम हो जाता है, वहां पर झील सी बन जाती है। क्या बन गई, झील बन गई, क्या बन गई, ये झील बन गई, और इन झील से धीरे 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 पानी क्या होता है, रिसाव होता रहता है, झीलों से पानी क्या होता रहता है, रिसाव होता रहता है, बहुत धीरे धीरे हमें मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्थिति क्या बनती है, ध्यान देंगे जवाब, जब इन पर टेंशन पैदा होता है या गुरुत्वाकर्षण बल तेजी के साथ लगता है या इन पर टेंशन पैदा होता है, तो टेंशन के कारण क्या होता है, आप ध्यान देंगे ग्लेशियर में बस्ट हो जाता है, और जब ग्लेशियर में बस्ट होता है तो वहां से ग्लेशियर का लार्ज पार्टिकल्स, एक टुकड़ा, ठीक है, झील में आ जाता है। लार्ज पार्टिकल्स मीन्स बहुत बड़ा टुकड़ा कहां पर आ जाता है, झील में आ जाता है, टुकड़े को कॉल्बिंग बोलते हैं, ध्यान देंगे आप ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, कॉल्बिंग कहा जाता है, मैंने आपको क्या बताया, ये कॉल्बिंग, ध्यान देंगे ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, टुकड़े को क्या कहा जाता है, कॉल्बिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये जब टुकड़ा कॉल्बिंग यहां आके टकराता है तो ये बचे हुए ग्लेशियर है, इनसे टकराएगा तो एनर्जी पैदा करेगा, जाहिर सी बात है, और एनर्जी पैदा करेगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कैसा होता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का प्रेशर कैसा होगा, बताइए आप सारे लोग समझदार हैं, पानी का प्रेशर कैसा होगा बताइए, मुझे तेज होगा नहीं होगा, जब पानी का प्रेशर तेज होगा तो पानी स्ट्रीम लाइन फ्लो कर ना होकर एक धारा रेखीय ना होकर कैसा होता है, टर्बुलेंट होता है, मीन्स विभिन्न डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ पानी बहने लगता है, ठीक है। तो विभिन्न डायरेक्शन में पानी बहुत तेजी के साथ क्या होता है, बहने लगता है। दोबारा बताऊं, देखिए आप ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बहुत ज्यादा पिघलते हैं बहुत तेजी के साथ, या गुरुत्वाकर्षण के कारण फटा हो, या उसके किनारों पर टेंशन पैदा हुआ, ठीक है, तो जब वो फटते हैं, ध्यान देंगे फटने के दौरान क्या होता है, झील में उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, टुकड़ा रहता है कॉल्बिंग, और वो यहां पर आकर टकराता है, टकराने के दौरान एनर्जी जब पैदा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आप ध्यान देंगे तो कैसा होगा, पानी और ज्यादा मेल्ट होगा, तो एक बस्ट होगा बहुत तेजी के साथ होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ जो पानी इस तरीके से यहाँ निकल रहा है, यहाँ जो ड्रेनेज ब्लॉक है, ड्रेनेज ब्लॉक मीन्स पानी को रोकने वाले प्राकृतिक ब्लॉक है, जो परमात्मा ने बनाए हैं पानी को रोकने वाले प्राकृतिक ब्लॉक, प्राकृतिक ब्लॉक को पानी बहुत तेजी के साथ तोड़ देता है, और जब पानी प्राकृतिक ब्लॉक को बहुत तेजी के साथ तोड़ देता है तो क्या स्थिति बन जाती है, आप ध्यान देंगे पानी स्ट्रीम लाइन फ्लो ना होकर टर्बुलेंट फ्लो बहने लगता है, मीन्स विशुद्ध प्रभाव पानी बहने लगता है, पानी की डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही नदी मचाए, जो उसके बराबर में सरिताएं बह रही हैं या नदी बह रही है उनमें फ्लो होने लगता है। तो यहां पर यही कारण रहा, इसको बोलते हैं फटने को GLOF ग्लेशियर लेक और बस्ट फ्लूट। अब फ्लूट की मात्रा क्या होती है, फ्लूट बहुत तेजी के साथ बहता है, जब पिघलने की दर बढ़ेगी तो पानी कैसा होगा, भाई साइंस का फार्मूला, पिघलने की जब दर बढ़ेगी तो पानी कैसा होगा, बहुत तेजी के साथ एक बाढ़ के रूप में आ जाता है और भयंकर बाढ़ को वो जन्म दे देता है। तो यही आप ध्यान देंगे उत्तराखंड ट्रेजेडी का सबसे मेन कारण है, ठीक है। दूसरा कारण इसका वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है,
वो ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं मानवीय कारण भी है, हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी रीजन है इसका, बहुत बड़ा रीजन है। आगे होगी आप लोगों के समझ में होगी अब। ठीक है, दोबारा और बता दूंगा, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के कारण टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जब वहां से गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वहां से टुकड़े जो अलग होंगे, लार्ज टुकड़े होंगे, बहुत बड़े आर्टिकल, बहुत बड़े पार्टिकल्स, लार्ज टुकड़े, तो अलग होकर क्या होंगे, वो इन झीलों में आ जाते हैं। झील कैसे बनी? कम टेम्परेचर के कारण, तो पानी और क्या हो जाता है, यहाँ ज्यादा मात्रा हो जाती है पानी की, तो यहाँ पर ड्रेनेज ब्लॉक होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, प्राकृतिक जो बांध होते हैं वो टूट जाते हैं, और पानी की बहुत बड़ी मात्रा, एक बृहद राशि इधर उधर चली जाती है। ठीक है, और से बाढ़ का विकराल रूप धारण कर लेती है। हाँ जी विजय जी, अच्छा, अच्छी समझ आ रही है क्लास, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो मैं अभी आपसे बात करूंगा और रिपोर्टों के बारे में, कुछ करंटली रिपोर्ट हैं जो हमारे एग्जाम का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, वो मैं आपको रिपोर्ट अभी आपको बता रहा हूँ, मैं क्या रिपोर्ट है मेरे पास, ये रिपोर्ट है, ध्यान देंगे आप, यूनाइटेड नेशन साइंस क्लाइमेट्स की रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन साइंस क्लाइमेट क्या कहता है, मैं आपको वो और बता दूँ। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन साइंस क्लाइमेट की रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट बहुत ही डरावने वाली रिपोर्ट है। आगे आने वाला समय ऐसा होगा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही से लिखा हुआ पुराणों में कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा और सृष्टि का महाविनाश हो जाएगा। ठीक है, खुलने ही वाला है। तो यूनाइटेड नेशन साइंस क्लाइमेट की रिपोर्ट यह कहती है कि 2100 में क्या दिखा रही है ये रिपोर्ट, ध्यान देंगे आप, पश्चिमी अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर है। क्या नाम इसका? थ्वाइट्स ग्लेशियर, ध्यान देंगे आप, ग्लेशियर का नाम क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर। बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है ये, और ये इतनी तेजी के साथ पिघल रहा है कि सालाना, ध्यान देंगे आप, इसके ना डेटा दिया है ये सालाना, एक 35 अरब टन पानी समुद्र में जा रहा है। सालाना कितना जा रहा है? 35 अरब टन पानी कहां जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। 35 अरब टन पानी समुद्र में जा रहा प्रत्येक वर्ष, तो ये कह रहा है सन 2100 तक, हम तो भाई देख नहीं पाएंगे 2100 तक, आप तो देख नहीं पाएंगे, हो सकता है आप देख लें, शताब्दी को पूरा करें, मेरी तो भगवान से हार्दिक शुभकामना है। ठीक है, तो 2100 तक क्या स्थिति बनेगी, आप ध्यान देंगे, 2100 तक स्थिति यह बनेगी कि समुद्र का जो जल स्तर है वो 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे, 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर ऊंचा होगा, तो जितने भी आइलैंड्स कंट्रीज हैं, मीन्स द्वीपीय देश हैं, और हमारे जो द्वीपीय किनारे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? डूब जाएंगे। ये स्थिति आई है, बहुत ही भयंकर रिपोर्ट है ये, ध्यान देंगे आप। ये अभी आइए, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपसे, ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन साइंस क्लाइमेट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेजी से कौन सा ग्लेशियर पिघल रहा है? अंटार्कटिका का ग्लेशियर, नाम क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये। और ये दिखा रहे हैं कि 2100 तक क्या होगा, इसमें ऐसे ही पानी जाता रहा तो समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे सारी सारी नदियों का जो अस्तित्व होगा वो कहां पर आ जाएगा? खतरे में आ जाएगा। सॉरी, नदियों का अस्तित्व कह रहा हूं मैं, जो द्वीपीय देश है सारे के सारे, उनका अस्तित्व क्या होगा? खतरे में आ जाएगा, और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, ब्रह्मांड का, प्रकृति का विनाश हो जाएगा। समझ गया आप? नहीं समझे तो चेत जाओ, आप सुधर जाओ। देख रहे हैं आप, एनर्जी की दिशा में हम इतने कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया के देश इतने प्रोटोकॉल हो गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहां तक कि मैंने आपसे बात कर ली, अब मैं आपसे लास्ट बात करूंगा। आगे मैं एक कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इससे पहले भी इंडिया के अंदर ये घटना घटी है ग्लेशियर के फटने की?
हाँ जी बिल्कुल, थैंक्स, बिल्कुल सही। क्या इससे पहले भी ये घटना घटी है ग्लेशियर के फटने की? मैं कमेंट बॉक्स में आपसे जवाब मांगना चाह रहा हूँ, फटाफट बताइए आप। हाँ जी बताएं। इससे पहले घटना घटी है, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। इससे पहले भी घटना घटी है, तो इससे पहले क्या घटना घटी है आप ध्यान देंगे, ये 1929 की घटना है। ये 1929 की ये घटना है और ये हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर, हिमालय की कौन सी श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पर। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए यहां से, तो हिमालय की कौन सी श्रेणी पर? ये काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। कौन सी श्रेणी होगी? काराकोरम श्रेणी। ग्लेशियर का नाम है कुमदान ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? कुमदान ग्लेशियर, ठीक है। हिमालय की कौन सी श्रेणी पर मैं आपसे कह रहा हूं? कुमदान ग्लेशियर। घटना कब की है? 1929 की घटना है, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ, ध्यान में लिया, इससे क्या हुआ? सेम बिल्कुल ये घटना अब घटी है, वही घटना उस समय घटी थी और सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी। सिंधु नदी में जब बाढ़ आई थी तो कहां का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? वो इलाका प्रभावित हुआ था, ध्यान देंगे आप, वर्तमान पाकिस्तान तत्कालीन भारत। क्योंकि 1929 में आप लोगों को मालूम पाकिस्तान तो कोई था ही नहीं, ना कोई देश था इस टाइप का, ठीक है। तो 1929 में ध्यान देंगे आप, तत्कालीन भारत वर्तमान पाकिस्तान में तबाही मची थी। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इससे पहले, देखो 2013 नहीं आएगा हरिराम जी, वही मैं आपसे कह रहा था, 100% लोग 2013 को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये घटना कब घटी थी? 1929 में घटी थी। कहां पर घटी थी? ये काराकोरम श्रेणी पर घटी थी, ध्यान देंगे आप। काराकोरम श्रेणी के कौन से ग्लेशियर पर? ये कौन सा ग्लेशियर? इस समय नंदा देवी ग्लेशियर में वस्ट हुआ है, उस समय कौन से ग्लेशियर में वस्ट हुआ था? कुमदान ग्लेशियर में, जिससे सिंधु नदी में पानी ही पानी हो गया था, भयंकर बाढ़ आई थी। कहां पर आई थी? उस समय सारा क्षेत्र कहां बोला जाता था? तत्कालीन भारत नाम था और वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। तो आप लोगों के मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का जो टॉपिक है, और आप कोई मुझसे सुझाव दे सकते हैं अपना। उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी इससे पहले 16 जून 2013 को आई थी, ध्यान देंगे आप, वो बादल फटना थी उसकी घटना, ग्लेशियर फटना नहीं था। और वहां पर जो तबाही मचाने वाली नदी थी, उस नदी का क्या नाम था? मंदाकिनी नदी। तो कई बार उसने क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही पूछेगा आपसे कि इस नदी का नाम ऋषि गंगा का नाम, तो ऋषि गंगा कहां से निकलती है? मैंने आपको बता दिया था, नंदा देवी के चंगवंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये कहां पर जाके गंगा मिल जाती है? देवप्रयाग में जाके गंगा मिल जाती है, सॉरी भागीरथी, अलकनंदा और ऋषि गंगा, तीनों धाराएं कहां पर आके मिल जाती है? देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। और किसी को ज्यादा गंगा नदी तंत्र की वीडियो देखनी है तो आप मेरे मनु आईएएस एकेडमी के चैनल पर जा सकते हैं, तो आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।